पूरी खबर विश्लेषण जिम्मेदारी के साथ अब आपको मिलेगी एक क्लिक पर। डाउनलोड करें 7i न्यूज एंड्रॉइड ऐप। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऐप डाउनलोडिंग की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए 7i न्यूज एंड्रॉइड ऐप। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऐप डाउनलोडिंग की लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए 7i न्यूज एंड्रॉइड ऐप। आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, जाइए अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर और अभी डाउनलोड कीजिए 7i न्यूज एंड्रॉइड ऐप। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 7i न्यूज। आपराधिक प्रकरण में 2 साल की सजा होने पर विधानसभा द्वारा भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्ति को लेकर सियासी हमले दूसरे दिन भी जारी रहे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि अभी इंतजार करिए, भाजपा की 2 से 3 सीटें और कम होने वाली हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने 15 साल जो किया है, बहुत सब उभर कर सामने आ रहा है, इसको लेकर कोई रोके तो रोक सके। देखिए, पिछले 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके सदस्यों के कारनामे थे, वो अब उभर के आएंगे। ये आज क्या, हाँ हर हफ्ते आएंगे, हर महीने आएंगे, इसको कोई रोक तो सकता नहीं है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस सरकार हमेशा बहुमत में थी। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव तथा पिछले जुलाई के पावन सत्र में दंड विधि संशोधन विधेयक पर मत विभाजन में सरकार ने बहुमत हासिल किया था। देखिए, सरकार हमेशा बहुमत में थी। जब स्पीकर का चुनाव हुआ, डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ, हमने तो पिछले सेशन में भी वोट करवा दी, तो सरकार तो हमेशा बहुमत में थी। विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्ति करने की सूचना सोमवार को निर्वाचन आयोग को भेजने की तैयारी है। इससे विधानसभा राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की प्रति के साथ पवई विधानसभा सीट की सूचना आयोग को देगी। बुलेट ट्रेन जैसी गति दिखाई दे रही है, ये बयान आया है शिवराज सिंह चौहान का। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्ति के लिए बुलेट ट्रेन की गति जैसी स्पीड हमें दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि 2-3 विधायक और कतार में हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि किसी न किसी तरह बहुमत पाने के लिए ऐसी हरकतें हो रही हैं जो अहंकार किसी का नहीं रहता, सरकार प्रदेश को लूटने में लगी हुई है। विधानसभा सीट व्यक्त किए जाने को उन्होंने जल्दबाजी का निर्णय बताते हुए कहा कि बिना विचार किए और एक दल को राजनीतिक फायदा देने के लिए किया गया है। उन्होंने दावा किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 191 के तहत स्थान रिक्त करने की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं, वहां उनके अधिकार में आता ही नहीं है। मेट्रो की गति से भी ज्यादा तेज गति बुलेट ट्रेन की गति हो गई है कि उधर फैसला आया नहीं और इधर तत्काल आदेश जारी हो गया कि एक स्थान रिक्त हो गया। आखिर इतनी जल्दी क्या थी? और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 2 और 3 और, ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कभी षड्यंत्रों का इरादा नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस इसी में लगी। जिस धारा का इनने उपयोग करते हुए फैसला किया, उसका उल्लेख करते हुए कहा कि अधिकार नहीं है इनको, धारा 191 के तहत। अब जिन्हें ये सोच ही लिया हो क्या इन प्रकार कुछ भी करके बस बहुमत हासिल करना है, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन कम से कम विधानसभा अध्यक्ष का पद दलगत राजनीति से ऊपर होता है और इसलिए विधानसभा सचिवालय से निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो सामने है। राजनीतिक विद्वेष बस एक राजनीतिक दल को पहुंचाने के लिए बिना सोचे विचारे इस तरह स्थान रिक्त कर दिया गया है। हम कोर्ट में जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि श्री प्रहलाद लोधी जी को न्याय मिलेगा। भाजपा कर रही है अदालत की अवमानना, यह कहना है जीतू पटवारी का। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए ट्वीट में कहा कि लोधी पर मारपीट का मामला उनके ही कार्यकाल का है। मारपीट उनके मुख्यमंत्री काल में हुई है, पुलिस में प्रकरण भी तभी दर्ज हुआ,
अदालत का फैसला अब आया है। इसी तरह पीसीसी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे और मीडिया समन्वयक नरेंद्र सालूजा ने कहा कि भाजपा विधायक की सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले में कांग्रेस पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। प्रहलाद लोधी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि विधायक सदस्यता समाप्त करने में कांग्रेस ने उनके साथ बदले की भावना से फैसला किया है। उन्हें विधायक चुने जाने के बाद कांग्रेस में आने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। इसलिए कांग्रेस ने अदालत के आदेश के बहाने सदस्यता समाप्त कर दी और पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क तक नहीं किया। लोधी ने कहा कि उन्हें अदालत पर विश्वास है। अदालत ने उन्हें फैसले के बाद तुरंत जमानत दे दी। वह सोमवार को हाईकोर्ट में फैसले पर अपील करेंगे। 7i न्यूज़ के लिए विजय द्विवेदी की रिपोर्ट।